नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिपल का हमको डिपॉजिट एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं। तो रिपल का डिपॉजिट एड्रेस निकालने के लिए हमको बैलेंस सिंपल से अपने बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बैलेंस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए मेरा बैलेंस वाले सेक्शन ओपन हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको XRP टाइप कर देना है। दोस्तों जैसे आप सर्च ऑप्शन में आप यहाँ पे XRP यानी रिपल सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपल शो होने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे रिपल शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा इन ऑर्डर में 10 रिपल यहाँ पे ऑर्डर में डबल डला हुआ है। और यहाँ पे हमको यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस लिखाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट करके ऑप्शन दिख रहा है और इस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे आप डिपॉजिट पे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे देखिए डिपॉजिट का टिप्स ओपन हो गया है और यहाँ पे आपको कंफर्म करने बोल रहा है। आपको यहाँ पे कुछ डिपॉजिट का टिप्स लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें पहला टिप्स में लिखा हुआ है कि इसमें आपको कोई अदर करेंसी को डिपॉजिट नहीं करना है। और दूसरा यहाँ पे टिप्स लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिपल का अलग से जो डेस्टिनेशन कोड मिलता है उस कोड को आप केयरफुली सही तरीके से भरना है, नहीं तो आपका वहाँ पे पैसा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे टिप्स लिखा है, देखिए डिपॉजिटिंग टू द अबव एड्रेस रिक्वायर्ड कंफर्मेशन ऑफ द एंटायर नेटवर्क, इट विल बी अराइव आफ्टर वन कंफर्मेशन। यहाँ पे आप जब भी इस नेटवर्क के अंदर आप रिपल को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे वन कंफर्मेशन का उसमें लगेगा, एक कंफर्मेशन वाला को यहाँ पे रिपल आपके उसमें एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे कंफर्मेशन कंफर्म करने के लिए बोला है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक बार कोड दिखने लगेगा, आप बार कोड को स्कैन करके रिपल यहाँ पे भेज सकते हैं और यहाँ पे एक एड्रेस है इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और इसमें नोट करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए किसी भी करेंसी में डेस्टिनेशन टैग कोड नहीं मिलता है, लेकिन रिपल के अंदर आपको डेस्टिनेशन टैग कोड मिलता है। अगर आप रिपल को कहीं से भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको एड्रेस के साथ में डेस्टिनेशन टैग कोड की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कहीं से अगर विड्रॉ करना है तो आपको एड्रेस देना पड़ेगा, साथ में डेस्टिनेशन टैग कोड भी देना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों डेस्टिनेशन टैग कोड किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है, वो खाली रिपल के अंदर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपल के अंदर यहाँ पे डेस्टिनेशन टैग कोड दिखा रहा है। आप कहीं से अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एड्रेस की जरूरत पड़ेगी और साथ में डेस्टिनेशन टैग कोड की जरूरत पड़ेगी, आप इन दोनों को देना पड़ेगा। दोस्तों ये इसी का विड्रॉ एड्रेस है जिसको मैं आपको बता दें हम क्या क्या पूछ रहा है। अगर आप यहाँ से अगर रिपल को विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको देखिए टैग यहाँ पे टैग नेम भर देना है आपको। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है और डेस्टिनेशन टैग टैग जो जो टैग कोड यहाँ पे मिलता है आपको डेस्टिनेशन टैग कोड डाल देना है। अब उसके बाद आपको एक ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फंड पासवर्ड डाल देना है। तो इस तरह आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट के लिए मैंने जो एड्रेस दिखाया आप उस तरह डिपॉजिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम रिपल का डिपॉजिट एड्रेस निकाल सकते हैं और कैसे यहाँ पे अपना डिपॉजिट एड्रेस निकाल के यहाँ पे मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।